नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बंसल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने रिसेंटली में अपना MBA कंप्लीट किया हुआ है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ग्वालियर से। सो आज की जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो मेरे व्यूअर्स के डिमांड पर है। उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट रिसर्च मस्ट बी डन बिफोर सिटिंग एनी कैंपस प्लेसमेंट ट्राई। तो मुझे भी ये लगा कि प्लेसमेंट के टाइम है ये भी रिसेंटली, तो ये जो क्वेश्चन है हर किसी के मन में ही होगा, क्योंकि प्लेसमेंट में बैठने से पहले हमें कुछ रिसर्च करनी होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, सो दैट हम कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर पाए और अपने प्लेसमेंट्स में अपनी एक सीट को रिजर्व कर पाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। मैंने इस क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कि रिसर्च को, कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पर रिसर्च करनी है। तो फर्स्ट होता है कंपनी का ओवरव्यू प्रोफाइल, सेकंड होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, और थर्ड जो होता है कंपनी की प्रोफाइल और जॉब प्रोफाइल बोलते हैं उसी को। राइट, सो हम लोग वन बाई वन एक एक से सभी पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के ओवरव्यू, अगर हम लोग कंपनी के ओवरव्यू पर बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपनी के ओवरव्यू में आती हैं। कंपनी के ओवरव्यू में हम लोग बात करते हैं तो बेसिक अबाउट द कंपनी, विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी, और जो उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, कंपनी का किस सेक्टर में डील करती है, और उसकी जो वेरियस क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं या वेरियस क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं कंपनी जिनमें डील करती है, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। और जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस सेगमेंट के लिए कंपनी हम लोगों को हायर कर रही है या आप लोगों को हायर कर रही है, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की वेरियस लोकेशंस कहाँ पर है, कंपनी किस लोकेशन के लिए आपको हायर कर रही है, वो आपको ज़रूर पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो हो सकता है कि कंपनी आपको ये क्वेश्चंस ना पूछे, बट एट द टाइम ऑफ प्री प्लेसमेंट टॉक कंपनी ये क्वेश्चंस करती ही करती है कि किस किस ने कंपनी की वेबसाइट को विजिट किया, कितनी बार कंपनी की वेबसाइट को विजिट किया और क्या क्या वहाँ से पढ़ा। तो कोई शॉर्ट लिस्टिंग राउंड नहीं होता है प्री प्लेसमेंट टॉक वाला राउंड जो होता है, बट फिर भी जो लोग एक्स्ट्रा या जो लोग वहाँ पर इस चीज़ का आंसर देते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है, क्योंकि HR देखता है उस बंदे को, जब वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बंदा वहाँ तक पहुँचता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि यार यही एक बंदा था जिसने ड्यूरिंग द प्री प्लेसमेंट टॉक अपना एक इनिशिएटिव लिया था और जिसका आंसर हमें प्रोवाइड किया था, इसका आंसर हमें दिया था। तो इट मीन्स क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पीछे 100 लोगों की भीड़ बैठी हुई है, तो 100 लोगों की भीड़ में से रिक्वायरमेंट कंपनी के पास 10 या 15 या 20 ही होंगी हार्डली, तो आपको उन 100 लोगों में से कुछ एक्स्ट्रा करना होगा स्किल्स के अलावा, क्योंकि आपने भी MBA की डिग्री की हुई है, बाकी लोगों ने भी MBA की डिग्री ली हुई है, आपने भी फाइनेंशियल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, उनका भी वही सेम स्पेशलाइजेशन है, तो फिर आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है जो कंपनी आपको ही सेलेक्ट करेगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के आगे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक थोड़ा सा अलग बना देती है बाकी लोगों से, तो कंपनी के आगे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वेटेज बहुत ज़्यादा जाता है। राइट, तो ये तो होगी हमारी कंपनी के ओवरव्यू की बात। सेकंड बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। आपको एक कंप्लीट थोड़ो उसकी रीडिंग होनी चाहिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन जो भी कंपनी ने आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को कंपनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर देती हैं, आपकी कंपनी के बारे में भी देती है, आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके वर्क लोकेशन, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर होती हैं। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंपनी से पूछते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि बंदे ने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा ही नहीं। राइट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोफाइल। प्रोफाइल से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है, जिस सेक्टर के लिए आपको लेके आ रही है कंपनी उस सेक्टर में प्रोफाइल आपकी क्या है वो सारी नॉलेज, उसके रिलेटेड जो भी करेंट इश्यूज है, करेंट टॉपिक चल रहे हैं, फिनेंशियल जो टॉपिक्स हैं, फिनेंशियल टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी जब प्रोफाइल के लिए लेने आती है तो 60-70% क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रोफाइल से लेके ही रहेंगे। अगर सेल्स प्रोफाइल के लिए लेके आ रही है तो सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और एजुकेशन सेक्टर की अगर कंपनी है तो मैं बात करता हूँ आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक भी एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, आपके क्वेश्चंस भी एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, और अगर सेल्स के लिए है साथ में एजुकेशन के साथ में, तो कोई ना कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट ही आपसे सेल करने को बोलेंगे, सो दैट उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि स्किल्स वाइज कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, तो वो सारी चीज़ें इन तीन पैरामीटर्स पर जज कर लेती है। तो कंपनी किसी भी प्लेसमेंट पर आपको जाने से पहले ये तीन चीज़ें होती हैं
जो स्पेसिफिकली हर कंपनी के लिए डिफर करती हैं। अगर आप कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी करती हैं तो वो अलग रहेगी, या इसके लिए जो बेसिक तैयारी रहती है वो अलग रहेगी, बट हर कंपनी से पहले ये तीन टॉपिक्स पर रिसर्च अच्छे से कर लेना तो ही आप कंपनी में अपनी जगह को बना सकते हैं, क्योंकि ये तीन क्वेश्चंस हर कंपनी में पूछे जाते हैं। अगर कंपनी ने आपसे क्वेश्चन पूछा वाई शुड बी हायर यू, तो वाई शुड बी हायर यू में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। हम लोग इंक्लूड करते हैं उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को शो करते हैं, राइट। तो अगर आपने प्रोफाइल के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप उन्हें अपनी स्किल्स को शो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप अपनी स्किल्स को उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता होगा कि कंपनी में हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैटर जो करता है कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है, राइट। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को देने से, आंसर को देने से पहले आप इंग्लिश और हिंदी को वहां पर नहीं सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे कि मुझे जो भी आंसर का रिप्लाई करना है कॉन्फिडेंस वे में रिप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर वही दे पाते हैं जिनने इन तीनों टॉपिक पे रिसर्च किया है। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है इंटरव्यू में कि आपने कंपनी के बारे में क्या पढ़ा, या अबाउट द कंपनी, या विजन या मिशन के बताइए कंपनी के, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ के आपको अपने लिए उन चीज़ों को यूज़ करना है, सो दैट आप कंपनी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनसे रिलेट करके आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। वाई शुड बी हायर यू हो गया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और आपको क्यों लगता है कि आप ही इस परफेक्ट हो इस प्रोफाइल के लिए, इस कंपनी के लिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि 100 बच्चों की भीड़ है, 200 या 300 बच्चों की भीड़ है, और आपको क्यों लगता है कि आप हमारी कंपनी में अपनी जगह बना पाएंगे? तो इसका क्वेश्चन भी प्रॉपरली फ्रेम होना ज़रूरी है। कंपनी ये क्वेश्चन बहुत पूछती है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही मैं आगे की वीडियोज़ में भी आपको और थोड़ा बताऊँगा इनके बारे में, उनका जवाब जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज में देना है, क्योंकि 5 से 10 साल बाद अगर कंपनी पूछ रही है और आपको कंपनी के विजन न मिशन न प्रोफाइल न कंपनी का ओवरव्यू न जॉब प्रोफाइल कुछ पता ही नहीं है, तो आप कभी नहीं बता पाएंगे कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको उनकी प्रमोशन उनकी हायरार्की ही नहीं पता है। अगर आपको उनकी हायरार्की ही नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं कि एग्जीक्यूटिव के बाद उनका प्रमोशन होता किस लेवल के लिए है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, टीम लीडर के लिए होता है, किस पोजिशन के लिए होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। इन तीनों के लिए आपको 2 से 3 बार वेबसाइट को विजिट करना मस्ट है, उनके सारे सेगमेंट्स प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में सारा क्लियरिटी होना ज़रूरी है। जिस लोकेशन के लिए आपको हायर कर रही है उस लोकेशन के बारे में 4 से 5 लाइन पढ़ लेना, क्योंकि उस लोकेशन के बारे में ज़्यादातर उनका क्वेश्चन रहता है कि आपको क्यों लगता है कि वो लोकेशन आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको आपकी होम लोकेशन या आपके होम टाउन पर अगर हम जो प्रोफाइल ऑफर करते हैं तो आप वहाँ जाना प्रेफर करेंगे या होम टाउन पर प्रेफर करेंगे? अगर आपने बोल दिया वहाँ मैं तो होम टाउन पर प्रेफर करूँगा, लेकिन होम टाउन के पर तो कोई वैकेंसी है ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन आपको ट्रिक आपको घुमाने के लिए पूछा और आप वहाँ फंस गए। आपको तो स्टिक रहना है कि नहीं सर मुझे तो इसी लोकेशन पर जाना है, वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत है, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें पता होगी। आपको लोकेशन अगर पता है कंपनी किस किस लोकेशन पर, तो आप अपनी प्रेफरेंस लोकेशन उन्हीं को बताइए कि मैं इन लोकेशन पर जाना प्रेफर करूँ, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है क्योंकि क्वेश्चन था उसी का रिप्लाई देने के लिए मैंने ये बोला है। बाकी क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आगे की वीडियोस में भी कवर करूँगा, सो दैट कहीं ना कहीं आपको वो प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल पाए। दिस इज़ द वेरी हाई टाइम जहाँ पर आपके प्लेसमेंट्स अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाले होंगे, मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, राइट। बट करेंट पेंडेमिक सिचुएशन को भी अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ही कंपनीज हैं जो अभी हायरिंग कर रही हैं, राइट। तो यू विल बी हैविंग अ लेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द वेरी गुड कंपनी। अगर सेल्स की बात करता हूँ, सेल्स कंपनीज में तो हायरिंग रहती ही है, एजुकेशन सेक्टर अगर किसी भी सेक्टर में बात करता हूँ, बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनेंस सेक्टर हो गया, एचआर हो गया, वहाँ पर आपकी हायरिंग बहुत कम है। सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट, और आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर एड ऑन एज अ स्किल सारी चीज़ें करनी होंगी, सो दैट आप एक बेटर पोजिशन और एक अपना बेटर 15 या 10 वैकेंसी में से एक वैकेंसी को कर पाए, राइट। आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियोस में शेयर करूँगा जो आपके लिए एक वेंटेज देंगी। आपको मैं अपना रिज्यूमे भी शेयर करूँगा आपको आगे की वीडियोस में,
तो मैं सारा धीरे धीरे एक स्टेप बाई स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। ये एक वीडियो मैंने बीच में इसीलिए बनाई है क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड पर है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको कुछ क्वेश्चन है जिस पर मुझे वीडियो बनानी है तो आप वो भी प्लीज़ पोस्ट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। और अभी मेरी रिसेंटली 2-3 वीडियो अपलोड हुई हैं तो माइट भी आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरे कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली अपने कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ। सो आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम आगे कोई और भी फेस करे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।